I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing, nothing Hindu about it. Right? I have not read anywhere, in no Hindu book, from no Hindu, learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. They have nothing to do with Hinduism. They are out to get power at any cost. बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दिनों पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। दोनों मुल्कों में अपोजिशंस जो हैं उनकी एक ही डिमांड है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहिए, और दोनों मुल्कों में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं ये दूर दूर तक सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान में आज बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि आरिफ अलवी जो कि प्रेजिडेंट है पाकिस्तान के और पुराने दोस्त हैं इमरान खान के, उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आरिफ अलवी साहब ने आज डेट एक तरह से अनाउंस कर दी है जनरल इलेक्शंस की, 6 नवंबर। उन्होंने कहा है, इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि आप 6 नवंबर तक कराएं, क्योंकि ये 89th डे होगा असेंबली डिसॉल्व हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने ख़त लिख दिया है। अब इस पर इंटरप्रिटेशन हो रही हैं कि ये उन्होंने सजेशन दी है, हुक्म नहीं दिया, उनको हुक्म देना चाहिए था वगैरह वगैरह। यानी ये मामला भी कहीं जाके और सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायदी साहब आ रहे हैं। बंदियाल साहब रिटायर हो गए और काजी फायदी साहब जो है वो नए चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये जो मामला है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ कि इलेक्शन कब होंगे पाकिस्तान में। यही सूरत हाल बांग्लादेश में। शेख हसीना की पिछले दिनों एक पिक्चर आई मीडिया के अंदर, जिसमें वो बड़े खुशगवार मूड में, प्लेजेंट मूड में जो बाइडन के साथ जो है वो नज़र आई। और अपोजिशन जो बीएनपी वाले हैं उन्होंने कहा है, उनके एक बड़े टॉप के नेता है फखरुल इस्लाम आलमगीर साहब, जनरल सेक्रेटरी भी हैं बीएनपी के, उन्होंने कहा कि ये तस्वीर गले में लटका के घूमें, इससे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी और अमेरिका के जो टाइज हैं वो बेहतर हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं। तो उनका एक बड़ा शार्प किस्म का रिएक्शन बीएनपी वालों का आया। अब शेख हसीना जो है वो भी अपने स्टांस से पीछे नहीं हटी, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं केयर टेकर सेटअप लेकर आऊँगी, वैसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब यह है कि वहाँ के जो पॉलिटिकल टर्मोइल हैं बांग्लादेश के, वो भी कहीं दूर दूर तक हमें ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान का मिसाल आपके सामने है, कहाँ से कहाँ उसकी इकोनॉमी पहुँच गई है देखते ही देखते 1.5 साल के अंदर, और बांग्लादेश ये अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि इससे फिर इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन पैदा होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इंडिया जो कि अब तक पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से महफूज था, वहां पर भी मोदी सरकार भरपूर तरह की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन पैदा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है, और ये जो न्यूज है ये इंडिया के पॉलिटिकल सर्कल्स के हवाले से है। एक बिल लेकर आना चाहता है मोदी वहां पर, स्पेशल सेशन इसने पार्लियामेंट का कॉल किया पिछले दिनों 18 सितंबर को। अच्छा, ये शेड्यूल में नहीं था, मतलब मॉनसून का सेशन जो ख़त्म हुआ पिछला, तो उसके बाद अचानक से इन्होंने एक स्पेशल सेशन कॉल किया, और इस पर चमगोइयाँ शुरू हो गई, डिस्कशंस शुरू हो गई, गॉसिप शुरू हो गए कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि मोदी स्पेशल सेशन क्यों कॉल कर रहा है। तो अपोजिशन वालों को लग रहा था कि शायद इंडिया का नाम भारत में बदलने की वो जो कोशिश कर रहे हैं, तो शायद उस वजह से ये स्पेशल सेशन कॉल किया जाएगा या कोई और होगी हरकत इनकी। लेकिन आज जो डिटेल्स सामने आई हैं वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली हैं, और इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिला देंगी। वहाँ पर यूँ समझे कि लंबे अरसे तक एक डिक्टेटरशिप नाफिज करने के चक्कर में मोदी लगा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर 18 सितंबर को जो इजलास होगा ना इंडिया में, उसमें मोदी इलेक्शन कमिश्नर को खुद अपॉइंट करने का बिल लेकर आने वाला है। यानी अपना नौकर, अपना पिट्ठू, अंधभक्त वो इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिस होगा उसके अंदर बिठाएगा, और भरपूर तरह से इलेक्शन चुराने की, उसको रिग करने की तैयारियां अभी से ही उसने शुरू कर रखी हैं। ये याद रहे कि इंडिया का जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहता है कि इलेक्शन कमिश्नर जो होगा ना, और बाकी के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे अदालतों की जानिब से। पिछले दिनों इंडिया के चीफ जस्टिस ने भी ये रिमार्क्स दिए कि ये हमारा अख्तियार है, हम इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, और इंडिया की फिर अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट वो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करती है। लेकिन मोदी ने अदालत के ये अख्तियार
स्नब करके खत्म करके अपने हाथों में लेने का प्रयास उसने शुरू किया हुआ है जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। इलेक्शन से थोड़ा पहले उसने ये हरकत की है क्योंकि उसको नजर आ रहा है सामने के मैं हार रहा हूं। बदतरीन जिल्लत वाली शिकस्त उसको होने वाली है क्योंकि इंडिया अलायंस जो बना है यहां पर पिछले काफी हफ्तों से आपको बता रहा हूं कि इसने मोमेंटम पकड़ लिया है। इनका जो अगर आप 28 पार्टियां जो मिली है ना इसमें अलायंस में इनका वोटिंग का शेयर देखें तो बीजेपी के अलायंस से ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अगली इलेक्शन होगी उसमें ये अलायंस जीतेगा। इनका वोट बैंक ज्यादा है इंडिया के अंदर। अगर इन सारों को 28 के 28 पार्टियों को कंबाइन करें ना तो इनका वोट बैंक ज्यादा है। तो ये ऑफिशियल चूंकि एक अलायंस की शक्ल अख्तियार करके गया है तो कोलेशन गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बनने जा रही थी, इसको बिगाड़ने के लिए वहां पर इलेक्शन चोरी करने का प्रयास शुरू हो चुका है। और इस सिलसिले में मोदी ने एक नया कानून वो लेकर आ रहा है, स्पेशल सेशन कॉल किया, उसके अंदर ये बिल पास किया जाएगा कि मोदी अपॉइंट करेगा। द वायर इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने आज थोड़ी देर पहले कुछ मिनट्स पहले खबर लगाई है कि गवर्नमेंट लिस्ट्स बिल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर पार्लियामेंट सेशन ऑन सितंबर 18। द डेवलपमेंट हैज कम इन द वेक ऑफ स्पेकुलेशंस एंड कंजक्चर ओवर व्हाट द न्यू बिल वुड मीन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। खत्म होगी जमहूरियत इंडिया की, डेमोक्रेसी गई तेल लेने। अपना नौकर अगर वो इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में बिठाएगा स्टेट के अंदर भी और टॉप की लेवल पर, अगर बीजेपी का कारकुन इलेक्शन कमिश्नर बन जाए तो कहाँ की इलेक्शन, कैसी इलेक्शन, किस चीज की इलेक्शन। द वायर कहता है कि द न्यू बिल सीक्स टू रिप्लेस द करंट मेथड ऑफ अपॉइंटिंग द सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर विथ अ सिलेक्शन कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर which will have one union minister also nominated by the prime minister and the leader of the opposition as its members. So Modi खुद जो है चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो है उसके पावर्स अपने पास लेके और ये कांड करने जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या इंडिया की जो अपोजिशन अलायंस है क्या ये इलेक्शंस लड़ेंगे? और अगर वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते या फर्ज करें हिस्सा लेते हैं लेकिन इलेक्शंस में भरपूर बेपनाह धांधली हो जाती है और वो नतीजे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का क्या होगा? फिर तो अपोजिशन सड़कों पर होगी और मोदी उनके खिलाफ ब्रूटल क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट कर रहा होगा। तो ऐसे में इंडियन डेमोक्रेसी का क्या बनेगा? फिर उसका क्या फ्यूचर होगा? तो ये बड़ा तबाहकुन एक बिल आने वाला है 18 सितंबर को इंडिया की पार्लियामेंट में और लग यूं रहा है कि ये पास भी हो जाएगा, प्रोबेबली ये पास भी हो जाएगा क्योंकि बीजेपी के पास इसको पास करने की कम से कम मेजॉरिटी मौजूद है पार्लियामेंट में। अलबत्ता देखना फिर ये होगा कि क्या इंडिया की सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेगी, इसको उड़ा देगी ये जो भी बिल पास करेंगे। और ये भी हो सकता है कि मोदी ये बिल पास करा के जल्द इलेक्शंस भी करवा दे ताकि कोई एक्शन हो इससे पहले, मतलब सारा मामला सेट हो जाए, इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल क्राइसिस इंडिया के ऊपर मंडला रहा है ना। देखते हैं कि 18 सितंबर तक इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है।